अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट होमेरिक हिम्न्स। आवर नेक्स्ट सेगमेंट इन द सीरीज ऑफ ग्रीक ड्रामा। सो व्हाट आर द होमेरिक हिम्न्स? होमेरिक हिम्न्स, होमर बेसिकली कहने की एक ग्रीक जो है वो एपिक पोएट था, एपिक राइटर था, जिसने बहुत ज़्यादा एपिक पोएट्री की। ठीक है, होमर और वर्जिल ये दोनों एपिक राइटर थे ग्रीक इरा में। ठीक है, सो हिम्स किसे कहते हैं? हिम कैसे हैं? बेसिकली प्रेज टू गॉड, खुदा ताला की तारीफ करना या खुदाओं की तारीफ करना। तो जो ग्रीक लोग थे वो बेसिकली अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस को प्रेज किया करते थे। तो होमर में इसी कह लें कि चीज को मद्देनजर रख के गॉड्स को जो है वो प्रेज किया है। गॉड्स को जो है वो उनकी बर्थ के बारे में हमें बताया जाता है कि उनकी बर्थ जो है वो किस तरह से हुई। ठीक है, उनके जो उनकी जो अबिलिटीज हैं, ठीक है, वो जो उनके पास जो मिरेकल्स हैं या उनके पास जो कह लें कि जो पावर्स हैं उनके बारे में हमें जो है वो इसके बाद इसमें होमेरिक हिम्न्स में बताया जाता है। बेसिकली ये जो होमेरिक हिम्न्स हैं ये ओरली वर्बली परफॉर्म की जाती थी जब भी कोई उनका फेस्टिवल होता था। ठीक है, जब भी कोई उनका रिचुअल होता था, वो रिलीजियस सेरेमनीज को जब भी सेलिब्रेट करते थे या जब भी वो अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस को पुकारते थे तो वो इन होमेरिक हिम्स को बोल के पुकारा करते थे। वो होमेरिक हिम्स जो है वो कहने के होमर ने हमारे सामने जो है वो पेश की हैं। इसमें होमेरिक हिम्स टू अपोलो और होमेरिक हिम्स टू एफ्रोडाइट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो इसमें और भी बहुत ज़्यादा जो है वो हिम्स लिखी गई हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बेसिकली यही दो हैं तो हम इन्हीं को कवर अप करेंगे। तो अपोलो की हिम्स जो हैं उसमें हमें अपोलो के लव अफेयर्स के बारे में बताया गया है, उसके और उसकी और उसके जो डेल्फी और डेलोस जो उसके दो मंदिर थे या जो शराइन थे दो, उनकी कैसे जो है वो वजूद में आए। ठीक है, उसकी बर्थ कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो इन हिम्स में जो है वो बताई गई हैं। सो बेसिकली दीज आर द मिथ्स, देयर इज नो रियलिटी बिटवीन सॉरी बिहाइंड देम। ठीक है, इनके पीछे जो है वो कोई रियलिटी जो है वो बेस नहीं करती, ये दीज आर जस्ट मिथ्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड हीरोइक इज एसोसिएटेड विद होमर एंड हिम means to praise God। ठीक है, so ये जो hymns हैं basically कह लें कि ये gods को praise करना है। ठीक है, जो Homer ने जो है वो लिखी थी, ये poetry की form में थी। हम basically इसकी जो translation है उसको पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो poetry है उसमें बहुत से difficult words use किए गए हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं एक छोटे से छोटा जो भी एलिमेंट है, जो भी एक वर्ड है, उसको मैं ट्रांसलेट ज़रूर करूं। तो ये सारी जो है वो ट्रांसलेशन फॉर्म में आपके सामने पेश की जा रही हैं। सो होमेरिक हिम्स आर पोएम्स, ये बेसिकली पोएम्स ही विच प्रेज द गॉड, हाईलाइट देयर लाइफ एस्पेक्ट्स। तो गॉड्स के जितने भी लाइफ एस्पेक्ट्स हैं उनको दिखाने के लिए ये होमेरिक हिम्स जो हैं वो लिखी गई हैं, क्योंकि इनमें जो तीन किस्म के गॉड्स थे, ठीक है, वो टाइटन्स और ओलंपस जो अभी रिसेंट गॉड थे, इनके जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न गॉड थे उनको ओलंपियंस का नाम दिया गया था। इससे पहले जो है वो टाइटन्स थे, और इससे पहले जो है वो दुनिया में सिर्फ जो है वो क्योस था उनके मुताबिक। तो इन तीनों गॉड्स के बारे में जो है वो हमें बताया गया है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, ज़्यादातर ओलंपियन गॉड्स को जो है वो होमेरिक हिम्न में प्रेज किया जाता है। होमर हैज़ यूज लैंग्वेज हिम सेम लाइक ही हैज़ यूज टू कम्पोज इलियट एंड ओडिसी। तो होमर ने वही यहाँ पे भी लैंग्वेज की है यूज़, जो सेम लैंग्वेज जो इलियट में और ओडिसी में। दीज आर टू एपिक पोएम्स, ठीक है, एपिक स्टोरीज हैं ये, एपिक पोएम्स हैं। इनके बारे में भी हम इंशाल्लाह अपने सिलेबस में नेक्स्ट आने वाले डेज में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, द ग्रेट एपिक पोएम विच आर रिटन बाय द मैजिकल हैंड ऑफ होमर। तो ये वो हैं जो होमर ने अपने मैजिकल हैंड से जो है वो लिखी हैं। ठीक है, दीज आर स्पिरिचुअली ओरिएंटेड पोएम्स रिटन इन द प्रेज ऑफ ग्रीक गॉड्स कम इन टू एग्जिस्टेंस। ये जो है वो उनके ओरिजिन के बारे में बताती हैं, ठीक है, कि किस तरह से वो पैदा हुए, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताती हैं, उनमें कौन कौन सी
कॉस्मिक्स पावर हैं उनके बारे में हमें बताती हैं, खुदाई पावर जो उनके पास, कह लें कि अब हम अगर आम जुबान में मैं कहूँ तो शक्तियाँ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो वो जो है उनके बारे में भी हमें बताया जाता है। आई यूज द वर्ड शक्तियाँ बिकॉज इट इज़ वेरी एसिमिलेटेड टू द हिंदुइज्म कल्चर। सो ये हिंदुइज्म कल्चर से जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी अफिलिएशन होती है, सो दैट्स वाई मैंने जो है वो ये वर्ड यूज़ किया ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, दीज आर स्पिरिचुअली ओरिएंटेड पोइम्स रिटन इन प्रेज ऑफ क्लासिकल ग्रीक गॉड्स कम इन टू एग्जिस्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन द पास्ट एंड प्रोवाइड द क्लियरेस्ट बेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रीक रिलीजन फिलोसफर्स। तो हमें जो है वो इन ग्रीक रिलीजन के बारे में भी बताते हैं, ठीक है, ग्रीक गॉड्स जो थे उनके बारे में भी बताते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम जो हज़ारों साल पहले जो है वो कह लें कि हम एग्जिस्ट करता था, तकरीबन 2500 से 3000 साल पहले की ये बात की जा रही है, ठीक है। तो उनका रिलीजन क्या था उसके बारे में भी हमें जो है वो बताया जाता है, किस उनके बिलीव्स क्या थे। दीज आर रिमाइंड दोज हु हियर देम ऑफ द प्रेजेंट एंड पावर ऑफ द गॉड्स एंड टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है। और ये हमें ये भी चीज़ बताती है कि गॉड्स और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होते थे, जैसे कि हमने एशक्लेस को जब हमने पढ़ा था, ओरेस्टिया हमने पढ़ा, उसके बाद हमने ईडिपस रेक्स पढ़ा, ठीक है। तो उसमें हमें गॉड्स का और ह्यूमन बीइंग का क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में भी हमने काफ़ी जो है वो डिस्कशन की थी। एशक्लेस के मुताबिक जो है वो जो गॉड्स हैं वो कह लें कि ह्यूमन बीइंग्स उनके सामने जो है वो मक्खियों की तरह है, वो जब चाहे उनको मसल सकते हैं। लेकिन स्पोकलीज जो है उसने ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इसको रिजेक्ट किया था और उसने अपनी फिलॉसफी दी थी फेट एंड करेक्टर की, जो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की है। सो वो कहता है कि गॉड्स जो हैं वो बेसिकली जो फेट होती है वो हमें चांसेस में देते हैं, ये हमारा करेक्टर होता है कि हम उस फेट से किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। सो ह्यूमंस और गॉड के दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में भी हमें बताया गया है। सो इसमें भी हम पढ़ेंगे कि गॉड्स का जो है वो कितना ज़्यादा ह्यूमन बीइंग की लाइफ पे इन्फ्लुएंस होता था। हमने जब ओरेस्टिया को डिस्कस किया था तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो भी इसमें थोड़े थोड़े एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें भी हमें दिखाए जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो जिक्र होगा वो गॉड्स का आएगा, ह्यूमन बीइंग का जिक्र इसमें बहुत ज़्यादा कम है। दीज आर द पोएम्स टू प्रेज ग्लोरिफिकेशन एंड इन्वोकेशन। तो ये पहले के प्रेज करने के लिए, गॉड्स की अजमत को बयान करने के लिए, उनसे मांगने के लिए, दुआएं करने के लिए ये प्रेज, उनको प्रेज जो है वो किया जाता था। और प्रेज करते हुए ये हिम्स जो हैं, ठीक है, ये पोएटिकल फॉर्म में बड़ी कहें कि ऊंची आवाज़ में किसी भी रिचुअल पे या किसी भी रिलीजियस सेरेमनी पे इनको रिसाइट किया जाता था। दीज वर रिसाइटेड अलाउड इन अ ग्रीक एरा बट बाई ह्यूमन टू गेट हेल्प ऑफ गॉड्स। तो कोई भी ह्यूमन बींग जो है वो कह लें कि गॉड की हेल्प हासिल करने के लिए, ठीक है, ये जो हिम्स हैं उनको गाया करते थे। मैनी ऑफ देम इन फैक्ट एंड विद द रिक्वेस्ट फॉर ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड दे एड्रेस अर्न एंड डेजिग्नेशन ऑफ हिम। तो बहुत सी इसमें ऐसी हिम्स हैं जो कह लें कि जो गॉड की जो कह लें कि प्रेस पे और ब्लेसिंग्स पे आके ख़त्म होती हैं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग जो है वो कहीं और से हो रहा होता है और लास्ट पे जो है वो सबके जो है वो प्रेस ही जो है वो लिखी गई है, ठीक है। सो जिस तरह से हमारी आयात हैं या इस तरह का जो भी, जैसे हमारा कुरान पाक है, वो तो एक हक बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ अलग अंदाज में इनको जो है वो पेश किया गया है। देयर आर सेवरल हिम्स ऑफ considerable length in the collection, the hymns of Demeter. तो यहाँ पर Demeter भी जो है वो एक goddess है, ठीक है, जिसको goddess of earth बोला जाता था। तो earth की जितनी fertility थी वो इसी के हाथ में थी, यही earth को जो है वो earth में जो पौधे और plant और हरियाली और ये सारी मतलब जितनी fertility की चीज़ें हैं वो Demeter के ही हाथ में थी। इसकी बेटी जो थी उसको कह लें कि एक गॉड था प्लूटो, उसने जो है वो अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, ठीक है, और वो उसको जो है वो प्रोसरपाइन, एक अंडरवर्ल्ड जो है वो जगह है प्रोसरपाइन, वहाँ पे ले गया था,
ठीक है, जमीन के नीचे एक जगह है। सो उसने जो है वो जमीन को, इसने अपनी ही बेटी के दुख में जो है वो जमीन को फर्टाइल करना जो है वो छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन प्लूटो जो है वो फिर इसको जो है वो थोड़ी देर के बाद जमीन से बाहर लेके आया, ये अपनी बेटी से मिली, ठीक है। और फिर प्लूटो जो है वो हर 5 माह बाद 6 माह बाद अब उसकी बेटी को लेके आता था और वो उससे मिल देती थी, और फिर दोबारा उसने जो है वो जमीन की फर्टैलिटी की तरफ जो है वो ध्यान देना शुरू किया। सो इस तरह की हिंट्स हैं, स्टोरीज यहाँ पे बताई गई हैं डीमीटर के बारे में। तो डीमीटर जो है वो पहले एक गॉडेस ऑफ अर्थ इसको जो है वो कहा जाता है, ठीक है। रिकाउंट द स्टोरी ऑफ अर्थ गॉडेस डीमीटर ऑब्सेस्ड सर्च फॉर द किडनैप डॉटर, हाउ शी जॉय व्हेन हर डॉटर वाज रिटर्न टू हर ब्रॉट लाइफ बैक टू व्हाट हर अबंडमेंट हैड लेफ्ट बैरन, ठीक है। तो किस तरह से उसने जमीन पे जो है वो तवज्जो देना छोड़ दी थी और पूरी की पूरी जमीन जो है वो बंजर हो गई थी, ठीक है। तो इसकी स्टोरी के बारे में भी हमें बताया जाता है। उसके बाद एफ्रोडाइट, ठीक है, एफ्रोडाइट जो है वो लव गॉडेस है। द हिम्स टू एफ्रोडाइट टेल्स ऑफ द लव गॉडेस रोमांटिक एंड सेक्सुअल ऑब्सेशन विद द मॉर्टल, द लेंथ टू विच शी वेंट टू मेक पॉसिबल देयर सेक्सुअल यूनियन एंड द पावरफुल कंट्रोल। सो दे सपोर्ट द ह्यूमन बींग्स टू अट्रैक्ट द वुमेन्स, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप थे गॉड्स के साथ भी, ठीक है, और जो मॉर्टल हैं यानी इमॉर्टल्स गॉड्स के साथ भी इसके बहुत ज़्यादा रिलेशन थे, ठीक है। उसने बहुत ज़्यादा लोगों के कह लें कि गॉड्स के साथ भी एडल्ट्री कमिट की थी, ठीक है। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इसके बारे में जो है वो दो तरह की कह लें कि इसके बर्थ के बारे में हम दो तरह की जो है वो प्रडिक्शन पढ़ेंगे कि ये किस तरह से पैदा हुई, ठीक है। तो इसके बहुत से गॉड्स के साथ जो है वो रिलेशनशिप थे, और ये जो है वो कह लें कि खुफिया कह लें कि एक इसके पास ऐसा चार्म था कि ये किसी भी ह्यूमन बीइंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी, किसी भी गॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी, ठीक है। बहुत से गॉड्स एंड गॉडेसेस के साथ इसने एडल्ट्री भी कमिट की, ठीक है, और कह लें कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके साथ भी एडल्ट्री भी इसने कमिट की, ठीक है। इसका जो लवर है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली जब इसकी हिम्स हम पढ़ेंगे। अभी मैं इसके जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये जस्ट हम अभी इंट्रोडक्शन इनका कर रहे हैं, ठीक है। हमने अपोलो के बारे में और उसके बारे में पढ़ना है, फिर इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, टू विच, अच्छा, इसकी पावर के बारे में बता रहा था कि जब कह लें कि कोई मैरिड कपल लड़ता था तो ये कह लें कि इस उनको उनमें एक ऐसा चार्म भर देती थी कि उनकी आपस में सुलह हो जाए। इसके पास ऐसी भी क्वालिटीज़ थी। बेसिकली जो हमने होमेरिक हिम द ओरेस्टिया में डिस्कस किया था पेरिस, ठीक है, और हेलेन का जो मामला था वो भी बेसिकली एफ्रोडाइट जो गॉडेस थी उसी की कह लें कि इंस्पिरेशन की वजह से हुआ था। उसने पेरिस को जो है वो प्रवोक किया, ठीक है। इनके दरमियान एक कॉन्टेस्ट हुआ था, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे जाके कि ये सारी वजह जो है वो क्या हुई थी, ठीक है। जो हमने ओरेस्टिया में डिस्कस किया उसके पीछे बेसिकली एफ्रोडाइट जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा कह लें कि इंस्पिरेशंस थी पेरिस को ऐसा बनाने में, ठीक है। और उसी ने कहा था कि मैं तुम्हें वर्ल्ड की जो सबसे खूबसूरत लेडी है, ठीक है, वो तुम्हारे कदमों में ला कर डाल दूँगी अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो, ठीक है। तो एफ्रोडाइट के बारे में हम आगे भी जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे, तब वो ये चीज़ें हम वहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, द हिम्स टू एफ्रोडाइट टेल्स ऑफ द लव गॉडेस रोमांटिक एंड सेक्सुअल ऑब्सेशन विद अ मॉर्टल, लेंथ टू विच शी वेंट टू मेक पॉसिबल देयर सेक्सुअल यूनियन एंड द पावरफुल कंट्रोल शी एक्सर्टेड ओवर हिम वंस दैट यूनियन हैड बीन कंज्यूमेटेड, ठीक है, कंज्यूमेटेड, ठीक है। तो कैसे जो है वो एक जब किसी भी रिलेशनशिप ख़त्म होने पे पहुंच जाता है तो किस तरह से वो जो कपल्स होते हैं उनको प्रवोक करती है, ठीक है, और वो आपस में दोबारा उनका यूनियन हो जाता है। द हिम्स टू पैथियन अपोलो, ठीक है, यहाँ पे अपोलो के स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गई है, काइंडली आप इसको ठीक कर लीजिएगा। पैथियन जो है वो कह लें कि एक इसकी जो है वो जो प्रीस्टेस होती है वो भी इसको कहा गया है, ठीक है।
मतलब ये इसकी प्रीस्टेस थी और इसके साथ इसका लव था, ये भी हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। रेड द स्टोरी ऑफ हाउ सन गॉड इसेंशियली किडनैप द क्रू ऑफ सेलिंग शिप, ठीक है। तो ये भी स्टोरी का जिक्र आगे आएगा कि अपोलो ने किस तरह से अपना शराइन जो है वो बनवाने के लिए, ये एक डॉल्फिन जो फिश होती है उसमें कन्वर्ट हो गया था और समंदर में चला गया, और इसने एक शिप को किडनैप कर लिया वहाँ पे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स थे, और उनसे जो है वो अपना कह लें कि इसने टेम्पल तमीर करवाया था। ये भी स्टोरी जो है वो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। द पॉइंट हेयर इज टू रिमाइंड दोज हेयर द पोइम हुर द पोइम ऑफ द omnipotent, sometimes selfish and often changeable powers of gods. There is only one hymn each in Homer of Zeus. तो इन ये जितनी भी हिम्स हमने पढ़नी है जियस की, इसमें जो है वो चंद एक जो है वो यानी कि हिम्स आती हैं। जियस जो है वो गॉड फादर जो समझा जाता है, ठीक है। तो उसकी जो बीवी है हेरा, ठीक है, गॉडेसिस जो है वो, उसकी भी जो है वो हिम आती है। हिज वाइफ बोथ आर रिलेटिवली शॉर्ट एंड हेरा आर पावरफुल मोटिवेटिंग द डिफाइनिंग करेक्टर इन इन द नरेटिव ऑफ द अदर गॉडेस। तो जियस और हेरा के बारे में भी हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे कि उनकी जो है वो शादी किस तरह से हुई और उनके कौन कौन से बच्चे थे, जियस ने कितनी शादियाँ की, ठीक है, और अपोलो जो है वो किस, उस अपोलो की मदर कौन थी, ठीक है। तो ये भी हम सारी चीज़ें आगे जाकर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा, इसमें जस्ट हमने इंट्रोडक्शन मैंने बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हुमेरिक हिम्स टू अपोलो, के अपोलो जो है उसके बारे में जो हिम्स बोली जाती थी वो कौन कौन सी हिम्स थी, ठीक है जी। तो आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।